हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के कन्हैया और कमल की वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है। गाइस, मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूँ एक नए गेम के बारे में जो एच गेम्स आर्टवर्क ने नई सीटे के साथ लॉन्च किया है। तो गाइस, उस गेम का नाम है ग्रांट मोबाइल हीरो। तो गाइस, हम सर्च करते हैं यहाँ पर ग्रांट मोबाइल हीरो। गाइस, आप सभी लोगों को इस तरह से यहाँ पर लिख देना होगा और सर्च कर लेना होगा। तो गाइस, आपको यहाँ डॉलर हीरो के नीचे ग्रांड मोबाइल हीरो गैंगस्टर क्राइम लेजेंड मिल जाएगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और गाइस, आप यहाँ पर आ जाओगे इस गेम पर। तो गाइस, ये नई सिटी के साथ लॉन्च किया गया है। तो गाइस, आप इसकी फ़ोटो में अलग ही देख सकते हो कि गाइस यह अपनी नई सिटी के साथ नई सिटी के साथ लॉन्च किया गया है। गाइस गाइस, अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो गाइस, इसे अपडेट ऑन गाइस, इसे अपडेट 14 जून 2021 को किया गया था। यह वर्जन 1 है इसका। डाउनलोड 5000+ डाउनलोड हो चुके हैं गाइस, जिसमें से एक मेरा भी है। ऑफर्ड बाय एच गेम्स आर्टवर्क, रिलीज ऑन 14 जून 2021। गाइस, ऐप परमिशन क्या मांगता है वो भी देख लेते हैं। गाइस गाइस, यहाँ पर स्टोरेज की और एक चीज़ की और यह परमिशन मांगता है। तो गाइस, इसका गेम प्ले बताने वाला हूँ। तो गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे ग्रांट मोबाइल हीरो के अंदर। तो गाइस, आप सभी लोगों को यहाँ पर अपना एक सैनिक सा दिखता है। जी हाँ गाइस, ये आर्मी पहन लेता है तो ऐसा लगता है कि यह कोई सेना में जाने वाला पुराने राजा महाराजा के समय का कोई सैनिक हो। गाइस, आप भी इसे देखोगे तो आपको भी ऐसा ही लगा। गाइस, पूरा हेलमेट टेंट कवच के साथ। तो गाइस, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी सिटी मिल जाती है जो कि हीरो निंजा गेम में भी है, पर वह अभी अपने प्ले स्टोर पर नहीं आया है। तो गाइस, वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर आ जाएगा, क्योंकि इस गेम का साइज भी 120 MB है और इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद 120 MB ही इसका साइज है। तो गाइस, बहुत जल्द ही आने वाला है हमारा रोप फ्रॉग निंजा हीरो गेम। तो गाइस, जब तक आप अगर नई सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो, नई सिटी के मजे लेना चाहते हो, तो गाइस आप सभी लोग इस गेम को खेल सकते हो। और गाइस, मैं आज से इसकी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस, मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको यह गेम कैसा लगा, मुझे सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं।